बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुड़ामलानी पुलिस ने मेगा हाईवे पर होटल पर अवैध शराब से भरे मिनी ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में चावलों की भूसी के नीचे अवैध शराब से भरे कार्टन छुपा रखे थे। पुलिस ने 451 कार्टन अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुड़ामलानी थानाधिकारी सूरजाराम जाखड़ के मुताबिक बीती रात गुड़ामलानी पुलिस ने मेगा हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से इत्तला मिली कि गांव बाटा होटल के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें अवैध शराब हो सकती है। इस पर थानाधिकारी मय पुलिस जाप्ता बाटा गांव पहुंचे, वहां खड़े टाटा मिनी ट्रक में बैठे युवकों से पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक के अंदर चावलों की भूसी के नीचे अवैध शराब छिपाई हुई थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर दो आरोपियों हरलाल पुत्र थानाराम निवासी भवानीपुरा सेड़वा व हिंदू सिंह पुत्र महेश सिंह निवासी आगीन शाह का तला धनाव को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार द्वारा 100 दिन की कार्य योजना में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल शाम को गश्त के दौरान मुखबिर इत्तला मिली कि गुड़ामलानी से रामजी गोल जाने वाले राजमार्ग पर एक होटल के किनारे ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, उसको यदि चेक किया जाए तो उसमें शराब बरामद हो सकती है। तो वहाँ पर इत्तला में मैं जाप्ता के पहुँचा तो वहाँ पर एक ट्रक खड़ा पाया गया, उसके अंदर दो शख्स मिले जिनसे ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछा तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर हमने ट्रक को चेक किया तो ट्रक में चावलों की भूसी के नीचे शराब के कार्टन भरे पाए गए। इस पर शराब के कार्टन को जब्त कर रकम दर्ज किया गया और दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 451 कार्टन है, एक हरलाल और एक हिंदू सिंह पर दो मुलजिम। ये शराब पंजाब आ करके पंजाब से गिरा है और आगे तफ्तीश जारी है। पुलिस के अनुसार ट्रक में से 451 कार्टन पंजाब निर्मित अवैध शराब के बरामद किए हैं। अवैध शराब की सप्लाई गुजरात में की जानी थी जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। गुड़ामलानी पुलिस ने पिछले दो दिनों में 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी सूरजाराम जाखड़, हेड कांस्टेबल कानाराम व लादूराम, चेतन राम, पवन कुमार, रवि प्रकाश, हरखा राम, भोगरा राम सहित टीम की अहम भूमिका रही।